हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हमारी लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी। ये सामने आपको आप पहचान भी गए होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी और ये जनकपुरी वेस्ट का मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन का, और यहीं अंडरग्राउंड में है मैजेंटा लाइन का स्टेशन जो कि अभी ऑपरेशनल है। लाइन मैजेंटा लाइन बॉटनिकल गार्डन से लेके जनकपुरी वेस्ट तक, और आज आपको अपडेट देंगे हम मैजेंटा लाइन का। जनकपुरी वेस्ट से हम यहाँ से शुरू करेंगे और पीतमपुरा तक मधुबन चौक तक इसका अपडेट देंगे हम। यहाँ से बिल्कुल सीधा चलेंगे तो हम पीरागढ़ी होते हुए पीतमपुरा तक जा सकते हैं। यहाँ मेंशन भी किया गया है पीरागढ़ी मधुबन चौक या जीटी रोड की साइड जाने के लिए सीधा जाएं, एलिवेटेड जो फ्लाईओवर है उसका इस्तेमाल करें, और विकासपुरी जाने के लिए या बैरन क्लेव जाने के लिए लेफ्ट जाए, मीराबाग जाने के लिए यहाँ मेंशन किया हुआ है। ये फुटओवर ब्रिज जो यहाँ बना हुआ है इसका इस्तेमाल कम ही लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है जो कि काम में आता है पैदल लोगों के क्रॉस करने के लिए। फुटओवर ब्रिज होने के बाद यहाँ ये सिग्नल होना कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, ये रिस्क वाली चीज हो जाती है क्योंकि लोग ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देते सिग्नल को और चल देते हैं क्रॉस करने के लिए, और काफ़ी व्हीकल्स वाले भी ध्यान नहीं देते हैं और वो भी यहाँ क्रॉस करते हैं तो उसमें भी पब्लिक को रिस्क वाली चीज़ आ जाती है। उसके अलावा जो स्टॉपेज होता है, जो टाइम ख़राब होता है, जो फ्यूल की कंजम्पशन होती है, और साथ में इसमें एक्स्ट्रा पोल्यूशन भी होगा। अगर ये गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं तो पोल्यूशन ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि जो गाड़ी यहाँ से सीधा जा सकती थी वो यहाँ खड़ी हुई है तो टाइम ऑब्वियसली उसका इंजन ज़्यादा चला। तो अगर यहाँ पर ये फुटओवर ब्रिज बना हुआ है तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करो ना कि लोग उसको इस्तेमाल करें। अगर ऐसे एक सिग्नल दे दिया है तो लोग वहाँ जाने की नीड नहीं समझेंगे, क्योंकि उसमें ऊपर जाना होगा नीचे आना होगा, लोग आलस में यहीं से ही क्रॉस करेंगे और यहाँ काफ़ी स्पीड में व्हीकल्स आते हैं, तो इसको इनको अवॉइड करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को। चलो अब यहाँ से हम चलते हैं और मैं आपको मैजेंटा लाइन का ही अपडेट आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से हम चलते हैं सीधा और हम एलिवेटेड जो सेक्शन है उसे नहीं लेंगे, हम नीचे चलेंगे, क्योंकि इसका जो पहला स्टेशन है वो कृष्णा पार्क एक्सटेंशन है जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन है इसका। अच्छा, ये तो चालू है, पेडिस्टल जो फोटो भेज है ये चालू है, ऐसा नहीं है कि ये किसी वजह से बंद हो। अच्छा, यहाँ से हम चलेंगे नीचे की साइड में, पहला हमारा यहाँ से स्टेशन आएगा कृष्णा पार्क एक्सटेंशन, जो कि जल्दी ही शुरू भी होने वाला है, ऐसी उसकी न्यूज़ है कि वहाँ तक काम इसका कंप्लीट हो गया है और बहुत जल्दी उसे ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। ये देखिए, ये रहा स्टेशन कृष्णा पार्क एक्सटेंशन। आप स्टेशन की फिनिशिंग देख कर समझ ही सकते हैं कि ये कम्प्लीट हो चुका है, और मोहित भाई ने भी कुछ दिन पहले वीडियो यहाँ का दिखाया था तो उन्होंने अंदर के पिक्चर्स भी कुछ दिखाए थे तो उसमें दिखाई दे रहा था कि ये कंप्लीट है, और न्यूज़ में भी दिखा था कि जल्दी ही शुरू होने वाला है, तो अच्छी बात है, कुछ काम में यहाँ प्रोग्रेस है। और यहाँ से हम आगे चलेंगे तो वो जो सेक्शन है वो एलिवेटेड है इसका। यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन है केशवपुर, केशवपुर से ये लाइन उससे पहले ये बाहर निकल आएगी और उसमें नेक्स्ट स्टेशन आएगा केशवपुर का। यहाँ से हम आगे चलते हैं पीतमपुरा की साइड में, यहाँ देखिए ये सेक्शन है, यहाँ से ये मेट्रो की जो लाइन है ये बाहर आ जाएगी और उसके बाद ये सरफेस पर ही चलेगी। टोटल जो लेंथ है इस लाइन की, मैजेंटा लाइन की जो भी बनेगी जनकपुरी वेस्ट से लेके और आर के आश्रम मार्ग तक, ये लगभग है 29 किलोमीटर, उसमें से 21 किलोमीटर जो है एलिवेटेड है और 8 किलोमीटर जो है वो अंडरग्राउंड है। इसके लिए डेडलाइन पहले दिसंबर 2024 थी, लेकिन अभी फिलहाल तो 2025 के एंड तक का है इसका डेडलाइन, इसमें टाइम लगेगा अभी क्योंकि अभी काफ़ी काम इसमें बचे हुए हैं, स्पेशली इस एरिया में, यहाँ से कृष्णा पार्क से लेके और मंगोलपुरी तक यहाँ काम थोड़ा सा बाद में शुरू हुआ है, इस वजह से इसमें टाइम लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर ये है साहिबी रिवर या नाला, नजफगढ़ भी इसको हम कहते हैं, इसके ऊपर अभी ये दो तीन स्पैन में यहाँ पर अभी कास्टिंग नहीं हुई है,
यहाँ भी काम बचा हुआ है इस वाली पार्ट में, देखिए अब। और इसके इसे क्रॉस करते ही है केशवपुर का स्टेशन। यहाँ देखिए ये जो पिलर्स इसके बाद दिखाई दे रहे हैं, ये केशवपुर स्टेशन है ये वाला। और यहाँ पर अभी कोई ज्यादा काम नहीं हुआ है, पिलर्स खड़े हो गए हैं, उसके बाद इसकी जो आर्म्स लगाई जाती है स्टेशन तैयार करने के लिए वो भी इसमें लगाई जानी है। जैसा मैंने आपको बताया काम थोड़ा सा बाद में स्टार्ट हुआ, कुछ यहाँ अप्रूवल्स नहीं थे, अलग अलग एजेंसीज के आपस में अप्रूवल चाहिए होते हैं वो नहीं थे, तो यहाँ काम बाद में शुरू हुआ। लेकिन अब काम में स्पीड काफ़ी अच्छी है इनकी। ये देखिए पेट्रोल पंप से जस्ट पहले ये स्टेशन बनाया जा रहा है। और अब यहाँ से हम आगे लेके चलेंगे आपको, इससे नेक्स्ट स्टेशन है पश्चिम विहार का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नाले के ऊपर देखिए पोर्टल बीम्स यहाँ बनाए गए, सेम ऐसे वहाँ जो मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ मंगेशपुर ड्रेन का, वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से UER2 आपको कंप्लीट होने के बाद दिखाई देगा। यहाँ लेफ्ट में है मीराबाग, स्टेशन का नाम केशवपुर है और जो जगह है लेफ्ट में मीराबाग है, केशवपुर जस्ट पहले था नाले से पहले तो। और यहाँ देखिए यहाँ गर्डर्स कुछ एरिया में लगाए जा चुके हैं, पिलर कैप मैक्सिमम जगह बनाई जा चुकी है, बनाई क्या लगाई जा चुकी है क्योंकि बनी हुई आती है इस एरिया में, तो अभी पिलर्स तैयार भी हो रहे हैं। ये एलिवेटेड जो रूट है यहाँ आके एंड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है सुंदर विहार, सुंदर विहार मार्केट के आगे ये एलिवेटेड रोड डाउन आ जाता है। राइट हैंड साइड पे है पश्चिम विहार और यहाँ पे इसका स्टेशन बनेगा पश्चिम विहार का स्टेशन। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ है डी मॉल पश्चिम विहार। ये देखिए यहाँ इस एरिया में भी देखो इनिशियल स्टेज में भी काम है, अभी यहाँ पर पिलर्स तैयार किए जा रहे हैं, एक पाइलिंग मशीन भी यहाँ लगी हुई है, तो काम अभी है यहाँ पर, लेकिन काम में तेजी दिखाई देती है कि हर बार से ज़्यादा इसमें काम दिखाई देता है। पिलर्स यहाँ तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्टेशन बनना है तो यहाँ अलग शेप के थोड़े से पिलर्स होते हैं, पाइलिंग मशीन भी है यहाँ पर, तो इनमें अभी काम होना है। यहाँ स्टेशन मैं तो इससे आगे आप जब स्टेशन देखेंगे पीरागढ़ के बाद तो काफ़ी काम आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ थोड़ा स्लो है, लेकिन काम में अब यहाँ काफ़ी तेजी है और जल्दी इसको काम को ये कंप्लीट करेंगे। ये लोकेशन आप समझ लें, ये देखिए राइट हैंड साइड पे है डी मॉल, अभी मेरी डायरेक्शन जो देख रहे हैं हम जनकपुरी की साइड हमारी डायरेक्शन देखने की। और ये देखिए ये डी मॉल है पश्चिम विहार का, इसके साथ में ही है रेडिसन ब्लू होटल, ये लैंडमार्क आ गया जो आप जगह को लोकेशन को समझ सके। और अभी जो मेरी डायरेक्शन है ये जनकपुरी की साइड थी, अब हम चलेंगे यहाँ से पीरागढ़ी पीतमपुरा की साइड। यहाँ देखिए यहाँ पिलर्स तैयार किए जा रहे हैं, पिलर कैप भी यहाँ लगाई जा चुकी है। ये है पश्चिम विहार अंडरपास, अगर यहाँ से राइट हैंड साइड जाएंगे तो हम जा सकते हैं ज्वालाहेड़ी, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हम जा सकते हैं गुरु हरकृष्ण नगर या भैरन क्लिव, अगर सीधा जाएंगे तो हम पीरागढ़ी की साइड जाएंगे। इसमें भी इससे आगे की अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट जो स्टेशन है वो है पीरागढ़ी का स्टेशन। ये अंडरपास हमने क्रॉस किया और यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी काम यहाँ शुरू हो गया है, पिलर्स अब दिखने लगे हैं यहाँ बने हुए। पहले तो यहाँ काम किसी भी स्टेज में नहीं था, मतलब काम शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पेड़ की जो कटिंग थी वो भी कुछ परमिशन थी इनके जो पेंडिंग थी, और स्पेस की भी थोड़ी सी थी दिक्कत इन्हें। अब तो यहाँ पिलर्स तैयार हैं, पिलर्स तैयार होने के बाद तो ये बहुत जल्दी काम करते हैं, अब नीचे से जितनी बैरिकेडिंग है सब हटा देते हैं ये। यहाँ देखिए कुछ एरिया में यहाँ यू गर्डर्स लगाए हैं इन्होंने, ये सबसे अच्छा किया मेट्रो ने, मतलब एक ही पीस आगे दो पिलर्स के ऊपर लगा देते हैं। ये भी मुंडका में ही बनते हैं, मुंडका में इनका कास्टिंग यार्ड है, वहीं बनते हैं और नाइट में इन्हें लाया जाता है मिडनाइट में, क्योंकि बहुत बड़ा पीस है तो बड़ी सावधानी से इसे लाया जाता है। मुंडका की जो हालत है रोड की तो इनको ही बड़ा मुश्किल होता होगा वहां से लेके आना। ये शुरुआत हो जाती है पीरागढ़ी फ्लाईओवर की, यहाँ से लेफ्ट साइड का जो रोड है वो बंद किया हुआ है पब्लिक के लिए, क्यों बंद किया हुआ है आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ बंद किया हुआ है, ये पीरागढ़ी गांव है राइट हैंड साइड पर,
और यहाँ बनाया जाएगा पीरागढ़ी का स्टेशन। अब क्योंकि स्टेशन बनाने के लिए इनको जगह ज़्यादा चाहिए थी, तो इस वजह से कुछ दिनों के लिए इसे बंद किया गया, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको खोल दिया जाएगा। अभी काम इनिशियल स्टेज में है। यहाँ पर ये देखिए पाइलिंग हेड भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर पाइलिंग कैप बनाया जाना है। तो ये काम अभी शुरुआती स्टेज में है इस वाले स्टेशन का, तो अभी यहाँ टाइम लगेगा इसको दोबारा से ओपन होने में। यहाँ इससे आगे देखिए यहाँ पाइलिंग हेड बनाने की तैयारी की जा रही है, यहाँ अभी कास्टिंग की जाएगी, मतलब काम अब यहाँ इस एरिया में अब हो रहा है काफी अच्छे से। और इससे हम आगे चलेंगे तो आपको काम के प्रोग्रेस काफी अच्छी दिखाई देगी पीरागढ़ी के बाद में। ये ग्रीन लाइन जो सामने दिखाई दे रही है, इसका भी इंटरसेक्शन बनेगा पीरागढ़ी का जो एग्जिस्टिंग स्टेशन है ग्रीन लाइन पर, दोनों स्टेशन को ज्वाइन किया जाएगा वॉकवे से। यहाँ वॉकवे का जो स्ट्रक्चर है वो काफी तैयार हो गया है, उसके पिलर्स तैयार हो गए हैं, उसको ज्वाइन भी कर दिया गया है। ये देखिए ये वॉकवे यहाँ बनाया जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें दूरी नहीं होगी, कुछ स्टेशन पे हमारे मेट्रो में काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, लेकिन इसमें इतना डिस्टेंस नहीं होगा। यहाँ ये पीरागढ़ी का स्टेशन है ग्रीन लाइन का, और यहाँ से जब लोग आएंगे या जाएंगे तो यहीं पर पीरागढ़ी चौक पर स्टेशन बनेगा नए वाला मैजेंटा लाइन का, तो काफ़ी डिस्टेंस नहीं है। ये वाली पॉइंट है, यहाँ बन जाएगा स्टेशन, ये यहाँ के इसमें ज्वाइन हो जाएगा, तो इससे बहुत सहूलियत मिलेगी लोगों को कहीं भी आने जाने में। मतलब ये लगा लो किसी को नोएडा जाना है, बॉटनिकल गार्डन जाना है, तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा यहाँ से जाना उसके लिए। अब हम चलते हैं यहाँ से पीतमपुरा की साइड में। यहाँ देखिए यहाँ पोर्टल बीम अभी कुछ बनाए जाने हैं, जहाँ तक बनाए जा चुके हैं वहाँ पर गर्डर्स लगा के कास्टिंग की जा चुकी है। यहाँ मिडल में पिलर लगाना पॉसिबल नहीं था रोड होने की वजह से, तो यहाँ पोर्टल बीम बनाए गए हैं। उससे आगे देखिए वायाडक्ट बिल्कुल तैयार है, यहाँ से लेके रेलवे लाइन तक तैयार है। रेलवे लाइन के ऊपर वही बनेगा स्टील वाला जो स्ट्रक्चर जैसे UER2 में हम देखते हैं, वैसा ही इसमें बनाया जाए, क्योंकि रेलवे लाइन के ऊपर कॉन्क्रीट वाला नहीं लगाया जाता है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर है उद्योग नगर इंडस्ट्रियल एरिया, उसके बाद में रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद में है मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, लेफ्ट में भी और राइट हैंड साइड पर भी। यहाँ देखिए रेलवे लाइन के जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये भी यहाँ काम बचा हुआ है, और ये ऑब्वियसली ये आयरन का ही इसमें स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जैसे कि इनके नए कानून है। और यहाँ मंगोलपुरी फ्लाईओवर से अब चलते हैं बाई रोड, इसमें मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। इससे जो नेक्स्ट जो स्टेशन है वो है मंगोलपुरी का, मंगोलपुरी के स्टेशन में यहाँ के मुकाबले कुछ काम ज़्यादा हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं वायाडक्ट यहाँ लगभग तैयार है, इसमें इस हिस्से में मैक्सिमम। यहाँ से हम चलेंगे आगे मजलिस पार्क तक, तो हमें काम में काफ़ी तरक्की दिखाई दी, काफ़ी काम इसमें हो चुका है। इसके स्टेशन जो आगे आने वाले स्टेशन हैं उनमें भी काफ़ी काम इसमें हो चुका है। अभी हमने क्रॉस किया है रेलवे ओवरब्रिज मंगोलपुरी वाला, और सामने फ्लाईओवर है मंगोलपुरी का, हम इसके नीचे की साइड से चलेंगे यहाँ पर, या नीचे की साइड से हम चलेंगे। इसका अपडेट हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ बनाया जाएगा मंगोलपुरी स्टेशन लेफ्ट हैंड साइड पर, इसमें आर्म्स जो हैं तैयार कर दिए गए हैं दोनों, और इस पे प्लेटफॉर्म और ऊपर जो कॉन्कोर्स है दोनों तैयार किए जाएंगे। बहुत कमाल की इंजीनियरिंग है, सिंगल पिलर के ऊपर एक स्टेशन बना देंगे, ये बहुत बहुत शानदार सच में। ये लोकेशन है मंगोलपुरी की क्रॉसिंग, यहाँ से अगर राइट हैंड साइड जाएंगे तो मुरादीबाग की साइड जा सकते हैं, लेफ्ट जाएंगे तो मंगोलपुरी सुल्तानपुरी। यहाँ से हम सीधा चलते हैं, नेक्स्ट जो स्टेशन आने वाला है वो आएगा कोहाट एनक्लेव का, कोहाट एनक्लेव राइट हैंड साइड पे कोहाट एनक्लेव है, पीतमपुरा का ही पार्ट है कोहाट एनक्लेव, और लेफ्ट हैंड साइड पे है मंगोलपुरी। यहाँ जो स्टेशन बनाया गया उसमें काम काफी हो चुका है, ये एलिवेटेड रोड बनाने से पहले यहाँ जाम की समस्या काफी होती थी पीरागढ़ी से मंगोलपुरी तक, तो काफी हद तक इसमें हल हो गया है इस
एलिवेटेड सेक्शन के बनने से। यहाँ देखिए स्टेशन, इसका ड्रोन व्यू दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तसल्ली से, अभी मैंने मिस कर दिया है क्योंकि इसमें काफ़ी काम इसमें हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा दिखाने का है नहीं, आपने देखा होगा और दूसरे वीडियोस में भी। अब जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो आएगा पुष्पांजलि का। अब मेरे राइट हैंड साइड पे है पुष्पांजलि और ये पुष्पांजलि का स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है, और लेफ्ट में यहाँ जाएंगे तो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल हम जा सकते हैं, यहाँ से पास पड़ेगा रोहिणी सेक्टर 1, 2, 3, ये इस साइड पड़ते हैं सेक्टर 1 और 2। सेक्टर 3 आगे पड़ेगा जो नेक्स्ट स्टेशन है, ये देखिए अब ये लोकेशन आ गई है, ये काली माता मंदिर है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रिंग रोड मॉल है, हमारी जो डायरेक्शन है वो मधुबन चौक की साइड देखते हुए है। यहाँ पर जो स्टेशन है नेक्स्ट वो है दीपाली चौक। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे दीपाली है, दीपाली एनक्लेव, और ये जो जगह है उसको दीपाली चौक ही बोला जाता है। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे हम M2 के रोहिणी की साइड जा सकते हैं, या सेक्टर 7, 8, सेक्टर 3 और 3, 4, 5 इस साइड हम जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ ये स्टेशन बनाया गया, आप इसमें देख सकते हैं प्लेटफॉर्म काफ़ी हद तक तैयार है, हम हो सकता है नेक्स्ट टाइम आए तो इसका जो स्टील का जो स्ट्रक्चर ऊपर बनने वाला है वो हमें काम होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इसमें इस लेवल तक का तो काम काफ़ी हद तक हो चुका है। अभी ये वाला जो अपडेट मैं आपको दूंगा ये है जनकपुरी वेस्ट से लेके और पीतमपुरा तक, इसके बाद जो हमारे स्टेशंस आएंगे जो नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको दिखाऊंगा, एक या दो अपडेट उसकी बनेगी, प्रशांत विहार, नॉर्थ पीतमपुरा, हैदरपुर, बादली मोड़ जो कि मैंने बताया कि दोनों इंटरसेक्शन बनेगा येलो लाइन के साथ में, उसके बाद में बलसवा, मजलिस पार्क में भी इंटरसेक्शन है, उसके बाद आजादपुर वहाँ भी इंटरसेक्शन है, अशोक विहार, डेरावाल नगर, घंटाघर, पुल बंगश में रेड लाइन के साथ इंटरसेक्शन है, सदर बाजार, नबी करीम, उसके बाद में रामकृष्ण आश्रम मार्ग वहाँ पर ब्लू लाइन के साथ ही जाकर मिल जाएगा। यहाँ हम इसमें अब जा रहे हैं, हमारा स्टेशन आएगा पीतमपुरा, और यहाँ तक कि मैं आपको इस वीडियो में अपडेट दिखाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट अपडेट में लेते हैं बाकी को। यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो वायाडक्ट है इस एरिया में आपको दिखाई देगा, सब तैयार है। यहाँ पर एक सर्विस लाइन भी बनाई जाएगी इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर किसी ट्रेन को साइड में रोकना पड़े उसके लिए एक स्पेयर लाइन बनाई जाती है कुछ कुछ दूरी के बाद में। अब ये लोकेशन मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे है रोहिणी सेक्टर 8, राइट हैंड साइड पे है रमा मार्केट, शिवा मार्केट, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर रमा मार्केट, शिवा मार्केट। ये हम पहुंच गए मधुबन चौक, और यहाँ बनाया जा रहा है स्टेशन पीतमपुरा का, जो कि एग्जिस्टिंग जो पीतमपुरा का स्टेशन है उससे कनेक्ट करेगा, और काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है इस वाले स्टेशन का, और ये बाकी स्टेशन से भी बड़ा बनने वाला है, ऊंचाई तो इसकी है ही ज़्यादा क्योंकि इसको मेट्रो लाइन यहाँ क्रॉस करनी है। बहुत शानदार व्यू यहाँ बनने वाला है, आप देखिए यहाँ पर पोर्टल बीम्स बनाए गए हैं मेट्रो की लाइन के लिए, और यहाँ प्लेटफॉर्म भी तैयार होगा इतनी ऊंचाई पर, बाकी स्टेशन से बिल्कुल अलग है इसका स्ट्रक्चर, तो ये काफ़ी बड़ा भी होने वाला है क्योंकि कमर्शियली भी यहाँ कुछ स्टेशन को इस्तेमाल किया जाता है मेट्रो के द्वारा, तो इस स्टेशन पर ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। सुबह के 8 बजे हैं, आपको ट्रैफिक बड़ा स्मूथ यहाँ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ देर बाद यहाँ पर जाम जैसी हालत हो जाती है, डेली का काम है यहाँ पर। जब ये मेट्रो का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर स्पेस निकल आएगा और आसानी होने लग जाएगी लोगों को, अभी तो रोड का काफ़ी पार्ट दिल्ली मेट्रो ने लिया हुआ है काम करने के लिए, और ये काम कंप्लीट होने के बाद ये सब हटा देंगे अपने बैरिकेड्स, और उसके बाद स्पेस निकल आएगा, यहाँ इसको ज्वाइन किया जाएगा इस लाइन को इसके रेड लाइन के ऊपर से। अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं भाई लोगों, ये अपडेट था आपको मैंने दिखाया जनकपुरी वेस्ट से लेके, एक्चुअल में तो कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से लेके और मधुबन चौक तक, यहाँ तक मैंने दिखाया है, इसको एग्जिस्टिंग स्टेशन के साथ कनेक्ट भी किया जाएगा स्टेशन को इस वाले को, और काम में तेजी है आप देख सकते हैं, वर्कर्स देखिए लगे हुए हैं सामने, सुबह के 8 बजे और ये काम में लगे हुए हैं, तो काम ऑब्वियसली काम काफ़ी तेज है,
उम्मीद करेंगे कि ये लाइन जल्दी ही कंप्लीट हो और लोगों को सहूलियत जल्दी मिले इसकी। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझे बताना, उससे मुझे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी मैं शेयर करूंगा, नहीं तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताना, मुझे भी नॉलेज थोड़ी सी गेन हो जाएगी। ओके भाई लोगों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।